हाउ इज़ गोइंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए है कोविड-19 के बारे में। मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि हम स्टूडेंट्स को इससे बच के क्यों रहना चाहिए। वैसे हालांकि सबको बच के रहना चाहिए इससे, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो करना चाहिए, बट हम स्टूडेंट्स को इसको इससे काफ़ी बच के रहना चाहिए, इस बारे में मैं बात करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हो कॉलेज में, स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में, आप मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो जो आपके छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जब आप सेकेंड ईयर में होते हो, थर्ड ईयर में होते हो, तो छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए, कब इंटर्नशिप करनी चाहिए, कहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए, ये जो छोटी छोटी डिसीजंस हैं, ये लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है इनका। ये डिसाइड करती हैं कि हम आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, कौन सा पाथ होगा जिसमें हम जाएंगे। तो ये डिसीजंस जो होती हैं, इनको काफ़ी सोच समझ के हमें लेना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। लेकिन मान लो इन डिसीजंस को हम ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। कोई अगर बाहर का आके आपको रोकने की कोशिश करे कि नहीं, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, तो बताओ आप उसे रोक सकते हो? अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका फ्यूचर, आप जो करने वाले हों उनसे आप भटक जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हमें पता तो है कि कोविड-19 काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर जिसको ये इन्फेक्ट कर दे रहा है उसके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं उनका, वो काफ़ी दिन तक कुछ नहीं कर पाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ये हमें पता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम अवेयर नहीं है उन चीज़ों से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यार मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि हम अवेयर हो जाएँ कि अगर हमें ये प्रॉब्लम हो जाए, अगर हम इन्फेक्ट हो जाए कोविड-19 से, तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है। देखो यार, हम इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब तक हम किसी चीज़ को फील ना करें ना, खुद से देखें ना, तब तक हम उसे बिलीव नहीं करते हैं, हम उसे बस हवा हवा में वो बात रह जाती है। जब तक हम खुद से फील नहीं करते हैं, जब तक हमारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें नहीं होती है, तब तक हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है कि वो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और हम कितने उससे परेशान हो सकते हैं। लेकिन हम चांस नहीं ले सकते इस टाइम, क्योंकि अगर आप उससे इन्फेक्ट हो जाते हो कोविड-19 से, आपका समर बेकार हो जाएगा, आप समर में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो समर के जस्ट बाद आपके प्लेसमेंट्स होंगे, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस दोनों प्लेसमेंट्स होंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर ये चीज़ें दोनों मिस कर दिए, आप अपना समर मिस कर दिए, आप अपने प्लेसमेंट्स मिस कर दिए, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, वो कंपनीज दोबारा नहीं आएंगी प्लेसमेंट्स के लिए, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपकी फ्यूचर को लेकर, आप क्या करने वाले थे, कहाँ पहुँच गए, क्या हो गया, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि कोविड-19 क्या है, तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं और क्या क्या मिथ्स हैं जो लोग दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर तुम स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट होने जा रहे हो, थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनके साथ चलो, क्योंकि जो आने वाले हैं 3-4 महीने 6 महीने, उनमें तुम्हारी लाइफ का जो पाथ है, जो तुम करने वाले हो, वो डिसाइड होने वाला है। तो ये जो 6 महीने हैं उसमें खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, जो भी तुम्हारा हाइजीन हो उसको मेंटेन करके रखो, लोगों को एक कॉन्टैक्ट में कम जाओ, ट्रेवलिंग कम करो, और जो भी WHO द्वारा या फिर अपने गवर्नमेंट के द्वारा, जो तुम्हारे कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने नोटिस वगैरह तुमको भिजवाया होगा, जो भी उसमें लिखा गया है, जैसे कि तुम्हें दिन में कई बार, जितनी बार हो सके उतनी बार हाथ धो, जो भी एल्कोहल बेस्ड जो हैंड वॉश है उनको यूज़ करो, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी आते हैं उनको यूज़ करो, लोगों के कॉन्टैक्ट में कम जाओ, जिनको कफ, कोल्ड, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे दोस्तों के, उनसे दूर रहो। अगर वो थोड़ा सा भी ऑफेंड होते हैं, यार उनको थोड़ा ऑफेंड होने तो क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ी ये तुम्हारी दोस्ती टूट रही है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस समय क्या है कि हमें खुद को बचाना है। अगर तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम होती है, तुम खुद, अगर तुमको खुद कोल्ड या कफ या जो भी सांस लेने में जो भी सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, ऐसा तुम्हारे साथ कुछ होता है, तो तुम तुरंत मेडिकल केयर जाओ, तुम जो भी मेडिकल सेंटर तुम्हारे कॉलेज के, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे जाओ, इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है। तो मैंने कई बार ये देखा कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनको कोफ कल्ड हुआ है कुछ,
ऐसे कोई सिम्टम्स, थोड़ी सी भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको बोल दो तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि यार मुझे कैसे हो जाएगा, मैं तो कहीं नहीं गया था ये। तो इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जाके मेडिकल सेंटर में, हेल्थ सेंटर में आप चेकअप करा लो एक बार। और यार एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उस बात को लेकर तुम ऑफेंड मत होना, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ऑफेंड मत होना, इस बार होली खेलने से बचना। क्योंकि ये जो कोविड-19 वायरस है वो बस कांटेक्ट से ही फैल रहा है, या मॉस्किटोज़ वगैरह से। अभी तक तो कोई इसका कुछ पता नहीं चला है कि ये मॉस्किटोज़ वगैरह से फैल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वायरस ड्रॉपलेट्स हैं जो काफ़ी भारी हैं और एक कांटेक्ट से ही फैल रहे हैं, जो अगर हम छींकते हैं उससे जो भी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आता है हमारी नोज़ के थ्रू, उससे फैल रहा है। तो अगर तुम छींको कहीं बाहर क्राउड वगैरह में तो रुमाल वगैरह यूज़ कर लिया करो, मास्क वगैरह यूज़ किया करो, या फिर तुम ऐसे एल्बो से जैसे नॉर्मली छींका करते हैं वैसे छींको कि तुम्हारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। और अगर तुम्हारे पास कोई छींक रहा है तो तुम उससे दूर हट जाओ, क्योंकि ये सिर्फ कांटेक्ट से फैल रहा है। तो हमें मिनिमम कांटेक्ट बनाने हैं, कोई भी ऐसे वैसे सरफेसेस ना छुआ करो। अगर तुमने ऐसा छू लिया है कोई सरफेस, ऐसे तुम्हें लग रहा है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो तुम अपने हैंड वॉश कर लिया करो, जो भी अल्कोहल वेस्ट और हैंड वॉशेज हैं उनसे हैंड वॉश किया करो। होली खेलने से बचो। यार देखो मैं भी होली खेलता हूँ, हम सारे दोस्तों के साथ यहाँ पे हॉस्टल्स में होली खेला करते हैं, बट इस बार होली खेलने से बचना है, इससे ऑफेंड नहीं होना है। पिछली बार क्या होता था कि मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ते थे, न्यूज़ में आता था कि बड़े बड़े लोग बोलते थे कि होली नहीं खेलना चाहिए, ये वाटर वगैरह जो भी होली होता है इससे नुकसान होता है वाटर वगैरह का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ड्राई होली खेल सकते हैं। बस इस बार क्या करना है कि हमें ड्राई होली से ही बचना है, कॉन्टेक्ट्स मिनिमम रखने हैं। सेलिब्रेट कर लो बट कॉन्टेक्ट मिनिमम रखना। अगली बार होली अच्छे से खेल लेना, अपन अगली बार मस्त होली खेलेंगे। बट इस बार जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ जाता है, हम इससे जितना हो सके उतना बच के रहें। और एक बात मैंने और सुनी जो मिथ है, इस बात को तुम ध्यान से सुनना। काफ़ी लोग ऐसा कह रहे थे कि जो कोविड-19 वायरस है, मैंने दो बातें सुनी। एक ग्रुप कह रहा है कि ये कोविड-19 वायरस वार्म प्लेसेस पे, जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोविड-19 कोल्ड प्लेसेस, जो ठंडे देश हैं, आज ठंडे जगह हैं, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं मान लिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट रहनी है ना। अगर तुमने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी इलाका हो, इससे हमारी बॉडी की टेम्परेचर पे थोड़ा भी इफेक्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी की टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है 37-38 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि कोविड-19 के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है उसे सर्वाइव करने के लिए। तो जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर ही नहीं बदल रही है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर कांस्टेंट रह रही है जो कि कोविड-19 के लिए सफिशियंट है सर्वाइव करने के लिए, तो कोल्ड प्लेसेस वार्म प्लेसेस से डिफरेंस क्या आ जाएगा? इस बात को तुम समझना। तो ये जो मिथ है इससे दूर रहो। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि गर्मी आ जाएगी तो इसका जो भी जो फैल रहा है कोविड-19 वो काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर कोविड-19 चला गया तो बाहर क्या टेम्परेचर है इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से रह सकेगा तुम्हारे शरीर के अंदर। तो ये मिथ था, मैंने काफ़ी सुना, मैंने सोचा कि इस वीडियो में बता दूं, क्योंकि यार हम एजुकेटेड हैं, जो भी लोग इस जो मिथ में हैं उन्हें हम समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने होली की बात कर ही ली, होली नहीं खेलना इस बार, होली मत खेलना। यार मेरे से ऑफेंड मत होना, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा, होली खेलना चाहिए, मैं भी खेलता हूँ, बट इस बार थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमें अच्छे से रहना है, हेल्दी रहना, तब भी हम अच्छे से इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्लेसमेंट्स अच्छे से हो पाएगी। और अभी देखते हैं क्या होता है, कोई सॉल्यूशन आता है कि नहीं, हमें होम बेस्ड इंटर्नशिप करना है, रिमोटली इंटर्नशिप करना है, या ऑफिस में जाके इंटर्नशिप करना है, ये बाद में डिसाइड होगा। बट जो हम कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टिव मेजर्स, जो भी सेफ्टी मेजर्स है WHO के द्वारा, या फिर हम खुद समझ के कि कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है, जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बस वीडियो इतनी ही थी, मैं यही बात करना चाह रहा था कि हमें पता तो सब कुछ होता है, हमें पता है हमें कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे फैल रहा है, सब कुछ पता है, बट यही है कि हम सीरियस नहीं हैं। जब तक हमारे साथ ना हो, हमारे फैमिली के साथ ना हो, हम सीरियस नहीं होते हैं, हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि इस बार हमें चांस नहीं लेना है, क्योंकि चांस लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें जो भी डेथ जिनकी हुई है उनकी एज अबव 40-50 है, ऐसा मैंने देखा।
तो हमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो उनसे कॉल करके बात करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप समझाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आप अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे बात करो, उनको समझाओ, क्योंकि अगर आपके रिलेटिव्स में आया तो ये काफ़ी तेज़ फैलता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को हो सकता है। तो उनको समझाओ कैसे रहना है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको बोलो आप वो घर से बाहर ना निकले, इधर उधर मार्केट्स में ना जाएँ, आप खुद सेफ्टी मेजर्स लो, आप कहीं घूमने ना जाओ, आप ट्रिप्स वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि अभी छुट्टी होने वाली है होली में, तो काफ़ी लोग ट्रिप्स वगैरह पे निकल जाते हैं, वो अवॉइड करो। क्राउड प्लेसेस, अगर आप घर जा रहे हो, देखो एक मैं और बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे हॉस्टल में नोटिस आ गया कि किसी को घर नहीं जाना है, होली पे छुट्टी जो हो रही है उसमें किसी को घर नहीं जाना। अगर आप घर जा रहे हो तो एक जो भी एप्लीकेशन होता है वो दो, और वापस आते टाइम आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा चेक करा के कि आप इससे इन्फेक्टेड नहीं हो। तो अगर आप घर पे जाते हो, अगर मान लो आप बहुत ज़रूरी है घर पे जाना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस आते टाइम आप चेक करा लेना एक बार कि आप COVID-19 से इन्फेक्टेड तो नहीं हो। क्योंकि अगर आप एक बार हॉस्टल में आए यार, तो हम एक मेस में खाना खाते हैं, ये प्लेटें सेम होती हैं, सब कुछ सेम होता है, वाटर कूलर सेम होता है, तो काफ़ी तेज़ी से ये कोविड वायरस हॉस्टल में फैल सकता है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो तो उससे पहले चेक करा लो। ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बस जैसे कोई भी फीवर चेक होती है वैसे आपका चेक हो जाएगा। बस वीडियो इतनी ही, वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसे हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फ्यूचर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मिलते हैं शाम को लाइव वीडियो में, लाइव आने वाला हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें लाइव में सॉल्यूशन जो भी मेरे को आता है या फिर मैं जो भी समझता हूँ उससे जो भी सॉल्यूशन आएगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं 6 बजे, मैं शाम को लाइव आ रहा हूँ, तो तब तक के लिए बाय। ऐसी अच्छी वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय।